आज के इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लिस्ट एक्चुअल में क्या होती है और उसको कैसे तैयार किया जाता है और उसके साथ किस किस फंक्शन को हम लगा सकते हैं। तो लिस्ट एक सीक्वेंस होता है वैल्यूज़ का, जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, और वो डाटा जो स्टोर किया जाता है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है और वो न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, या कलेक्शन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है स्ट्रिंग का भी और न्यूमेरिक डाटा का भी। तो लिस्ट, और एक सबसे बड़ी बात लिस्ट के साथ क्या होती है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल्स होती है, यानी एक बार आप उसको तैयार कर दीजिए तब आप क्या कर सकते हैं, उसके डाटा को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी आइटम्स को चेंज भी आप कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट तैयार करता हूँ, और लिस्ट बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिस्ट एक तैयार करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ की। अभी हमने यहाँ पे एक जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो हम एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और लिस्ट के साथ काम करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंडेक्सिंग की, क्योंकि जब हम इसके साथ इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे हम लिस्ट में, या कुछ नया डाटा ऐड करेंगे या पुराना डाटा निकालेंगे या डाटा को एक्सेस करेंगे, तो उस वक्त हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लेफ़्ट इंडेक्सिंग होती है ना, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम चलते हैं तो ये कहलाती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये कहलाती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो जब ये 10 की इंडेक्सिंग अगर मुझे पता करनी है तो 10 की इंडेक्सिंग होगी यहाँ पे 0। कैसे पता करना है वो देख सकते हैं आप, किसी भी एलिमेंट्स की अगर लिस्ट के अंदर आपको इंडेक्सिंग पता करनी है तो आपको एक फंक्शन लगाना पड़ता है लिस्ट डॉट इंडेक्स, और बस उस एलिमेंट का नाम डाल दीजिए जिसकी आपको इंडेक्सिंग पता करनी है। तो आप देखें यहाँ पे इंडेक्सिंग 10 की क्या रही है, 0। अगर मैं इंडेक्सिंग देखना चाहता हूँ किसी दूसरे अदर एलिमेंट की, मैंने देखा यहाँ पे 20 की इंडेक्सिंग क्या होगी, तो आप देखेंगे 20 की इंडेक्सिंग 1 आ रही है। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ 100 की इंडेक्सिंग देखूँ जो कि 10th प्लेस पे है, उसकी इंडेक्सिंग 9 आएगी क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर यही इंडेक्सिंग मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँ तो 100 की जो मुझे इंडेक्सिंग मिलेगी वो इंडेक्सिंग मिलने वाली है -1, 90 की इंडेक्सिंग मिलने वाली है -2, 80 की इंडेक्सिंग मिलने वाली है -3। तो ये तो बात की हमने थोड़ी अभी इंडेक्सिंग के बारे में। अब हम एक फंक्शंस यूज़ करते हैं यहाँ पे। फंक्शन यूज़ करने से पहले हम ये देखते हैं कि लिस्ट के आइटम्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा। तो लिस्ट तो मैंने तैयार कर ली, मैं इसके आइटम्स को एक्सेस करता हूँ एक एक करके कि लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो लिस्ट वन जो है, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उसके आइटम को मैं एक्सेस करता हूँ तो मैं इंडेक्सिंग डालता हूँ 5, और मैं देखता हूँ 5 इंडेक्सिंग पे मुझे कौन सा आइटम मिलेगा। तो 5 इंडेक्सिंग पे मुझे 60 मिला है। क्या इस 60 की इंडेक्सिंग 5 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग के बारे में बात की थी कि अगर हम लिस्ट के किसी भी आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, इंडेक्सिंग का। ऐसा नहीं है कि आइटम को एक्सेस करने के लिए आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही दें, आप माइनस इंडेक्सिंग भी दे दीजिए। तो माइनस इंडेक्सिंग देंगे तो वो राइट हैंड साइड से आपके वैल्यूज़ को लेना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे दिया लिस्ट -1, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर दिया क्योंकि लिस्ट के नाम हमारा गलत हो गया था। लिस्ट थी लिस्ट 1, हमने केवल लिखा लिस्ट, तो लिस्ट 1 -1 यहाँ पे हो गया। और आप जैसे इसमें एंटर करेंगे तो वो इंडेक्सिंग में -1 पे क्या आ रहा आपका, 100। तो इस तरीके से आप आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी। तो यहाँ पे अगर मैं -5 देता हूँ तो वो कहाँ से करेगा, -5 इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5, यानी मुझे क्या एक्सेस हो, यानी 60। तो अगर मैं इंडेक्सिंग 5 देता हूँ पॉजिटिव तभी भी मुझे 60 आता है, -5 देता हूँ तभी भी मेरे पास 60 आता है, क्योंकि राइट से भी उसका वही इंडेक्सिंग आ रहा है और लेफ्ट से भी उसका वही इंडेक्सिंग आ रहा है। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में और पढ़ते हैं लिस्ट में। एक सबसे मेन रहता है लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग एक्चुअल में होती क्या है, जो स्लाइसिंग हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग्स में वही स्लाइसिंग हम पढ़ेंगे लिस्ट के अंदर। तो स्लाइसिंग मतलब होता है कि मैं एक एक करके आइटम को एक्सेस नहीं करना चाहता, मैं एक पर्टिकुलर एक प्लेस से आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1, मैंने यहाँ पे दिया लिस्ट 1, और मैं एक्सेस करना चाहता हूँ 5th इंडेक्स से आगे के आइटम्स को। जब भी आप इस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग के 3 वैल्यूज होती हैं, एक होती है स्टार्ट, एक होती है स्टॉप, और एक होती है आपकी स्टेप, कितना कितना स्टेप आप बढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो अभी मैंने क्या दिया, केवल स्टार्ट दिया, ना तो मैंने स्टॉप दिया ना मैंने स्टेप दिया। तो मैंने दिया 5
और मैंने कॉलर लगा के छोड़ दिया, तो फाइव इंडेक्सिंग से लेके लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको ये एक्सेस कर देगा। तो इंडेक्सिंग 560 से स्टार्ट हो रही, 60, 70, 80, 90, 100 पे इसने जाके ख़त्म कर दिया। तो मैं इसको इस तरीके से इंडेक्सिंग भी दे सकता हूँ, या मैं इंडेक्सिंग चाहता हूँ कि भाई मेरे सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट हो, सेकेंड इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो और सिक्स इंडेक्सिंग पे जाके वो ख़त्म हो जाए, सॉरी सिक्स इंडेक्सिंग पे जाके वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो सेकेंड इंडेक्सिंग से स्टार्ट होंगी और मेरे पास सिक्स इंडेक्सिंग पे जाके वो एंड हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको क्या क्या लग रहा होगा कि सिक्स इंडेक्सिंग पे तो 70 है, ये फिफ्थ 60 क्यों आया, 60 की तो इंडेक्सिंग 5 थी। वो इसलिए आया क्योंकि जब भी हम इस तरीके से स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं तो स्लाइसिंग हो गई या रेंज हो गई, तो ये जो अपर वैल्यू होती है ना जो हम देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपर वैल्यू क्या दी, 6 दी ना, तो ये 6 को नहीं लेगा, ये कहाँ तक की लेगा, केवल ये वैल्यू 5 तक ही लेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे लिस्ट 1, और मैं इसको एक्सेस करता हूँ, जरूरी नहीं कि इंडेक्सिंग आपकी जो स्लाइसिंग है वो पॉजिटिव के थ्रू, इंडेक्सिंग नेगेटिव के थ्रू भी आप कर सकते हैं। -9 से मैं शुरू करता हूँ और मैं -5 तक चला जाता हूँ, तो आप देखेंगे -9 से उसने स्टार्ट किया, -9 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, -5, तो -9 मेरा यहाँ पे आ रहा था और -5 मेरी वैल्यू कितनी आई, 50, यहाँ तक कि उसने वैल्यू उसको एक्सेस कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलना, राइट हैंड साइड से चलना स्टार्ट किया जब मैंने इंडेक्सिंग इसकी नेगेटिव दी। तो इस तरीके से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी लिस्ट को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्सिंग के लिए एक फंक्शन भी हम यूज़ करते हैं, और विदाउट फंक्शन हम इस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के आइटम्स को कि L1 ना तो मैंने स्टार्टिंग दिया ना मैंने एंडिंग दिया, यहाँ पे बस मैंने स्टेप दे दिया और स्टेप भी दिया माइनस, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके लिस्ट के जितने भी आइटम्स थे वो सब क्या हो गए, रिवर्स हो गए। यानी लिस्ट मेरी स्टार्ट हो रही थी ऊपर 10, 20, 30, 40, 50 जो मैंने बनाई थी, लेकिन अभी आप देखें तो लिस्ट के सारे आइटम जो 100 जिसकी इंडेक्सिंग क्या थी, 9 थी, अभी उसकी इंडेक्सिंग क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है उसकी इंडेक्सिंग। तो ये वैल्यूज आपकी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। पढ़ते हैं कुछ बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन और मेथड्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन आता है, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लेन फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पता करने के लिए, इंडेक्सिंग नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पता करने के लिए। जैसे मैंने लेन फंक्शन लगाया, और जब भी आप फंक्शन लगाएंगे तो उसके लिए जो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन के साथ आप जो ब्रैकेट यूज़ करेंगे वो हमेशा पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन हमेशा राउंड ब्रैकेट के साथ ही यूज होता है। तो आप देखेंगे कि आपके लिस्ट वन के अंदर उसने कितने एलिमेंट्स आपको शो कर दिए, कि आपके लिस्ट वन के अंदर 10 एलिमेंट्स है। आप ये पता करना चाहते हैं कि मेरी लिस्ट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपकी लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 100 है ना। तो आप यहाँ पे जैसे ये मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपको बता देगा कि आपकी लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा फंक्शन, वो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है। अगर मैं min फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं पता कर सकता हूँ कि मेरी लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो उसने मुझे बता दिया कि मेरी लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कितना है, 10। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का एडिशन करना चाहता हूँ तो आप वहाँ पे सम फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये एडिशन केवल न्यूमेरिक फंक्शंस का ही करेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ का ही किया करेगा। अगर आपने कोई ऐसी लिस्ट बना रखी है जो कि स्ट्रिंग है तो उसके वैल्यूज़ को ये ऐड नहीं करेगा। तो इसने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को ऐड करके मुझे कितना बता दिया कि यहाँ पे ऐड करके कितना आने वाला, 550 आएगा। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो कि लिस्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, लेन फंक्शन जो कि लेंथ बताने में काम आता है, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिन स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, और सम फंक्शन का इस्तेमाल होता है लिस्ट के आइटम्स को ऐड करने के लिए, सारे जितने भी हैं उनको सम करने के लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मुझे 5 को भी ऐड करना था, या मुझे किसी और एक एलिमेंट को ऐड करना था। तो अगर मैं पहले से बनी एक लिस्ट के अंदर किसी और एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ तो उसको कैसे ऐड किया जाएगा, तो आप देखें कि ये कौन से मेथड होते हैं। तो वहाँ पे हम एक अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, और अपेंड लिस्ट वन जो कि आपने लिस्ट वन कौन सी, जो कि लिस्ट आपने बना रखी है, डॉट अपेंड आपने एक फंक्शन दिया। अपेंड फंक्शन के बाद ये सब स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, लिस्ट का नाम आपने लिखा, जो भी जैसे भी कैपिटल स्मॉल, लेकिन फंक्शन स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं।
और अपेंड के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स, जैसे कि मुझे 110 ऐड कराना है तो अपेंड के आर्ग्यूमेंट्स में मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे एंटर किया, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अपनी लिस्ट को लिस्ट वन को। जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके लिस्ट में 110 नाम का एक एलिमेंट और ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट में, लेकिन अपेंड फंक्शन से जो एलिमेंट होगा वो लिस्ट के लास्ट में ही ऐड होता है। अब किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पता करने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पता करेंगे। इसके बाद होता है एक इंसर्ट फंक्शन, कि हम चाहें तो अपनी लिस्ट के साथ एक इंसर्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन किस तरीके से लगेगा? इंसर्ट फंक्शन का जो हम इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हैं, कि मैं जीरो इंडेक्सिंग पे किसी वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे दिया इंडेक्स और मैंने आइटम दिया 5, और जैसे ही मैंने यहां पे एंटर किया तो मेरा 5 जो है वो जीरो इंडेक्सिंग पे इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं अपेंड लगाता हूं तो लास्ट में एंड होता है, लेकिन मैं इंसर्ट फंक्शन से किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करा सकता हूं किसी भी इंडेक्सिंग पे। तो मैं यहाँ पे अभी प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट लिस्ट वन, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर दूंगा आप पाएंगे कि वो कहाँ पे इंसर्ट हो चुका होगा, इंडेक्सिंग फर्स्ट पे वो एंटर हो चुका होगा। तो आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी इंडेक्सिंग पे इंसर्ट करा सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। अब जैसे क्या है कि मैं इंडेक्सिंग 5 पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ 12 को, तो मैं उसको इंसर्ट करा सकता हूँ। तो इंडेक्सिंग 5 पे मेरा 12 इंसर्ट हो चुका है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, प्रिंट लिस्ट 1। इस तरीके से आप देखेंगे तो इंडेक्सिंग 5 पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे कौन इंसर्ट हो गया आपका, 12। इसके बाद एक और फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट फंक्शन का काम होता है आपकी लिस्ट को शॉर्ट करना, शॉर्ट मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। अभी हम देखेंगे जो हमारी लिस्ट 1 है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20, 30, 40, लेकिन 12 आ गया। तो अगर हम अपनी लिस्ट को लगाना चाहते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम वहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं शॉर्ट। आप चाहें तो आप प्रिंट करा सकते हैं आप अपनी लिस्ट को, और आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट किसमें हो चुकी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में, 5, 10, 12, 20, इस तरीके से। आप चाहते हैं किसी एलिमेंट को रिमूव करना, हटाना, अभी तो हमने सीखा इंसर्ट करना, लेकिन हम चाहें तो अपनी लिस्ट से किसी भी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, रिमूव फंक्शन, रिमूव, और आप आइटम दे सकते हैं, जैसे कि मुझे 12 को रिमूव कराना है, और जैसे ही मैंने एंटर दिया, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और प्रिंट कराता हूँ लिस्ट 1 को, तो मैं पाऊँगा कि मेरे पास जो 12 था वो रिमूव हो चुका होगा मेरी लिस्ट से। रिवर्स फंक्शन भी होता है, रिवर्स फंक्शन, जिस तरीके से मैंने माइनस इंडेक्सिंग देके लिस्ट को रिवर्स किया था, हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी अपनी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स फंक्शन मैंने लगाया, एंटर किया, और अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, तो आप पाएंगे कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स थे वो रिवर्स हो चुके होंगे। तो रिवर्स फंक्शन के थ्रू भी आप अपनी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, या आप अपनी लिस्ट को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉपिंग अ लिस्ट, यानी अगर हमने एक लिस्ट बना रखी है और हम एक दूसरी लिस्ट बनाना चाहते हैं, सारे एग्जैक्ट एलिमेंट लिस्ट 1 के सारे एग्जैक्ट एलिमेंट में लिस्ट 2 में कॉपी करना चाहता हूं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, लिस्ट 2 लीजिए और लिस्ट 1 लीजिए, सामने लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आप प्रिंट करा लीजिए लिस्ट 2 को, तो आप पाएंगे लिस्ट 1 के सारे आइटम्स किस में आ चुके होंगे, लिस्ट 2 में आ चुके होंगे। ठीक है, हम चाहें तो दो लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे लिस्ट 3 बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कोई एक लिस्ट 3, और लिस्ट 3 में स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, राम, मोहन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोहन। इस तरीके से मैंने एक लिस्ट बना दी लिस्ट 3, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ली। अब मैंने लिस्ट 4 ली, और जहाँ पे मैं लिस्ट 1 को ऐड करता हूँ किसमें, लिस्ट 3 के अंदर, और मैं जैसे प्रिंट कराऊंगा अभी लिस्ट 4 को, तो लिस्ट 1 और 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट 4 के अंदर ऐड हो चुके होंगे। आप देखें स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिस्ट 1 के आ रहे हैं, और लास्ट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिस्ट 3 के आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो कि मैंने लिस्ट में आपके साथ शेयर किए, आपको बताया। आई होप आपको वीडियो
पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स।